ड्राइव मोड की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको जो है दो मोड देखने को मिलते हैं, मतलब मल्टी ड्राइव मोड देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जैसे अपना मीटर कंसोल ऑन होता है तो मीटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी फुली डिजिटल मीटर कंसोल है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। हेलो रंग कैसे सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे। मेरा नाम है विनय यादव, आपसे का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रेंजर विनय पे। तो अगर आज मैं आया हूँ आदित्य टाटा मोटर्स में, जो कि हमारे गोंदिया में टाटा की डीलरशिप है। आज इनके पास अवेलेबल हो चुकी है टियागो ईवी, जो कि टाटा की एक बेहतरीन ईवी है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी जो मेरे पास मॉडल अवेलेबल है गाइज वो है मिडल वाला वेरिएंट अवेलेबल है, मतलब बेस भी नहीं टॉप भी नहीं, दोनों के बीच का जो वेरिएंट है वो मेरे पास आज अवेलेबल है। तो आज हम इसका फुल रिव्यू करने वाले मेरे इस चैनल पे, इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, ये मतलब कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और गाइस वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हर इंटरेस्टिंग आने वाले ब्लॉग के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो गाइस ये जो है मिडल बेस वाला वेरिएंट है, तो इसलिए ये जो इसमें आपको जो है सबसे पहले बता दूं तो आपको स्टील रिम दिख रहे होंगे, आपको साइड मिरर जो है ब्लैक फिनिशिंग में दिख रहे होंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं आगे में वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसकी की अगर मैं बताऊँ तो की भी आपको नॉर्मल वाली ही देखने को मिलती है, आपको जो है रिमोट वाली जो की है वो इसमें नहीं देखने को मिलती है। तो करते हैं इस गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट। अभी आप देखिए कुछ इस गाड़ी के सिनेमैटिक शॉट्स। तो गाइस आज मेरे पास अवेलेबल हो चुकी है टाटा की टियागो ईवी एक्सई। तो आज इसमें क्या क्या मिलने वाला है हम देखने वाले, ये जो है मिडल बेस वाला वेरिएंट है तो इसमें अभी हम देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले अभी हम आते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे हो आपको सिमिलर अपना जो टियागो है उसी के ऊपर ये जो है उसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस है, उसके कारण ये जो आपको पूरे टियागो जैसी ही दिखने वाली है। इसमें बस आपको जो है इंजन की जगह जो है आपको इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलती है। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो फ्रंट की हेडलैम्प की तरफ अगर हम आते तो यहाँ पे आपको जो है हैलोजन का हेडलैम्प देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल बल्ब वाला इंडिकेटर देखने को मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको जो है टाटा की क्रोम फिनिशिंग में बैजिंग देखने को मिलती है। और ईवी का थोड़ा सा लुक देने के लिए यहाँ पे आपको जो है जो आपको फ्यूचरिस्टिक कलर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और फ्यूचरिस्टिक ग्रिल भी आपको यहाँ पे व्हाइट कलर में देखने को मिलती है, जो कि आपको बाकी गाड़ियों में ब्लैक कलर की देखने को मिलती है, जिसके कारण इसमें आपको जो है और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। अभी जो है मिडल बेस वेरियंट है, इसके कारण आपको जो है इस गाड़ी में फॉग लैम्प अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम से लगवा सकते हो। और वैसे ही अगर हम इधर साइड में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ईवी की बैजिंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम सी लग रही है। मतलब कि आप देख रहे हो ये गाड़ी का फ्रंट लुक ही कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ये मतलब EV.EV लिखा हुआ है, मतलब ये जो गाड़ी का मतलब अलग ही लुक आ रहा है, मतलब ईवी लग रही है कि ये गाड़ी ईवी में आती है करके। तो अभी हम देखते हैं इस गाड़ी के हुड के नीचे क्या है, हुड के नीचे क्या क्या आपको देखने को मिलता है। मोटर देखने को मिलती है जो कि प्रोड्यूस करती है 55 किलोवाट की पावर, मतलब 74.7 पीएस का पावर। और इस गाड़ी को जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है आपको 170 न्यूटन मीटर का, आपको इस गाड़ी में मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलता है। और इस गाड़ी में अगर आप ड्राइव मोड की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको जो है दो मोड देखने को मिलता है, मतलब मल्टी ड्राइव मोड देखने को मिलता है, एक ड्राइव मोड मिलता है नॉर्मल वाला, और एक आपको जो है स्पोर्ट्स मोड भी आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं इस गाड़ी के बैटरी की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको जो है 26 किलोवाट की हाई एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलता है, जो कि और गाइस अभी हम आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल के सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो साइड मिरर्स के बारे में, तो साइड मिरर्स जो आपको यहाँ पे नॉर्मल वाले जो ब्लैक कलर की फिनिशिंग में आते हैं, हैंडल बार भी आपको ब्लैक फिनिशिंग में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो है मिडल बेस वेरियंट है, इसके कारण आपको यहाँ पे ज़्यादा मतलब क्रोम फिनिशिंग वगैरह व्हाइट कलर की फिनिशिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है स्टील रिंग वाले टायर देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको इस गाड़ी में फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और पीछे में आपको जो है आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको जो है 175/65 R14 इंचेस का आपको टायर देखने को मिलते हैं, और वहीं पे अगर मैं पीछे के टायर सेक्शन की बात करूँ तो सेम वही आपको टायर साइज़ पीछे और आगे दोनों साइड में सेम वही टायर साइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे जैसे अपना मीटर कंसोल ऑन होता है तो मीटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी फुली डिजिटल मीटर कंसोल है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताता है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर बताता है कि कौन से मोड में वो भी बताता है, कोई डोर ओपन है अभी जो मेरे साइड, और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर हम इस गाड़ी के पीछे के साइड में आते हैं, पीछे के प्रोफाइल की तरफ आते हैं, तो पीछे का प्रोफाइल भी आप देख रहे हो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है इस गाड़ी का। यहाँ पे आप देख रहे हो टियागो ईवी की बैजिंग रखी हुई है, जो आपकी टियागो जो अपनी नॉर्मल वाली टियागो है वह उसकी अगर आप बैजिंग देखोगे तो
बहुत ही नॉर्मल सी लगती है, लेकिन आप अगर इसकी बैजिंग देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम, बहुत ज़्यादा बढ़िया सी फीलिंग देती है। यहाँ पे आपको टाटा की क्रोम फिनिशिंग में बैजिंग देखने को मिलती है, टियागो आपको क्रोम फिनिशिंग में देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको जो है डॉट टीवी जो है आपको ब्लू कलर में देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको एक बैकलाइट देखने को मिलती है इधर साइड में। आप अगर मैं इस गाड़ी की बैकलाइट की बात करूँ तो नॉर्मल बल्ब वाली बैकलाइट और नॉर्मल बल्ब वाला आपको यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिलता है, और बैक ग्लास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिफॉगर अवेलेबल नहीं है। टॉप वेरिएंट में आपको इस गाड़ी में जो है डिफॉगर अवेलेबल हो जाएगा। और थोड़े एक्सेसरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है क्लैडिंग देखने को मिलती है, छोटा सा स्पॉइलर देखने को मिलता है जो कि गाड़ी का लुक जो है और भी ज़्यादा इनहांस कर देता है। तो अभी चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, और अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है वो हम देखने वाले, तो अंदर में चलते हैं और अंदर में क्या क्या आपको देखने को मिलता है वो देखते हैं। तो गाइस अभी जो है मैं बैठ चुका हूँ टाटा ईवी के अंदर, टाटा टियागो ईवी के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको की दिखा दूँ तो की आपको नॉर्मल वाली की इस गाड़ी में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो गाड़ी है गाइस वो है आपको जो मिडल वाला वेरिएंट है एक्सी वेरिएंट वो आपको देखने को मिलता है। जैसे ही हम इस गाड़ी के इग्निशन में इस की को लगाते हैं और ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे टाटा की बैजिंग आती है, जिप्ट्रॉन की बैजिंग आती है, और अलग डोर है, ये जो साइड डोर है वो ओपन है तो वो भी आपको यहाँ पे मतलब पूरी की पूरी चीज़ें जो नॉर्मल गाड़ी में आती है वो सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में दिखा देता है। और यहाँ पे एक एडिशनल बता दूँ तो यहाँ पे आपको जो है रेंज बता देता है कि कितनी गाड़ी चलेगी। अभी इस गाड़ी में जो है 81% चार्जिंग है, उसमें ये गाड़ी जो है 146 किलोमीटर चलने वाली है गाइस। तो यहाँ पे अच्छी खासी रेंज के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है। स्टेयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्टी फिनिशिंग में आपको यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग भी देखने को मिलती है, टाटा की बैजिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको हॉर्न के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, इधर साइड में आपको जो है हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, और इधर में आपको जो है आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। तो ये मिडल वाला वेरिएंट होने के कारण गाइस इस गाड़ी में आपको जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलने वाला है, आप आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम से लगवा सकते हो, लेकिन आपको इस गाड़ी में जो है मैनुअली कंट्रोल्ड एसी देखने को मिलता है। और गाइस डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी खासी क्वालिटी का आपको यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलता है। फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ में ब्लू कलर की फिनिशिंग देखने को मिलती है, मतलब कि फुल टू फुल ये आपको जो है ईवी वाला लुक इस गाड़ी में देखने को मिलता है। बाहर से भी देखते हो या फिर अंदर में बैठते हो तो फिर भी आपको जो है इस गाड़ी में बढ़िया से ईवी वाला फील देखने को मिलता है। आप एसी के विंड्स देखो, एसी के विंड्स के ऊपर में भी आपको ब्लू फिनिशिंग देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। अभी अगर मैं इस गाड़ी के मोड्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको जो है मल्टी ड्राइविंग मोड देखने को मिलता है, मतलब ड्राइव मोड और स्पोर्ट्स मोड इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको जो है रिवर्स का मोड भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपका जो है न्यूट्रल का है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपके यहाँ पे भी देखने को मिलती है, इधर में भी आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिलती है। और अगर मैं ऊपर के वैनिटी की बात करूँ, सनवाइजर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है नॉर्मल वाले सनवाइजर्स देखने को मिलते हैं अपने ड्राइविंग साइड में, और अगर मैं इधर साइड की बात करूँ को पैसेंजर के साइड में तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल वाला ही देखने को मिलता है। लेकिन आपको जो है सेफ्टी बढ़िया मिलने वाली है इस गाड़ी में, क्योंकि एयरबैग भी है, सेफ्टी रेटिंग भी आपको इस गाड़ी की पता है कि सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी की कैसी है। साइड मिरर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप अंदर से इनको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल नहीं है, आप मैनुअली इस गाड़ी को इस मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हो। और अगर मैं इस गाड़ी के डोर की बात करूँ, डोर पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो इस गाड़ी के डोर पे आपको जो है यहाँ पे आपको बढ़िया से फिनिशिंग देखने को मिलती है, दो ड्यूअल टोन में आपको कवरिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको जो है मैनुअली कंट्रोल्ड विंडो देखने को मिलती है, और आप और अगर आप टॉप वेरिएंट की तरफ जाते हो तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल विंडोज़ भी देखने को मिलते हैं। तो अगर और चीज़ों की बात करूँ इस गाड़ी में, तो अगर मैं इस गाड़ी के सीट के कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो सीट का कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सीट जो है एकदम कंफर्टेबल बकेट सीट्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है। सीट पे भी अगर मैं दिखाऊँ तो आपको जो है पूरी फुल टू फुल ईवी की फीलिंग आती है। अगर सीट और अगर डोर की बात करूँ, स्पीकर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ट्विटर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है, उधर साइड के डोर में भी वैसा ही है, और अगर पीछे के डोर्स की बात करूँ तो पीछे के डोर्स पे भी आपको एक एक स्पीकर देखने को मिलता है। आपको जो है हुड ओपन यहाँ से कर सकते हो, अगर आपका जो पीछे की डिक्की है वो ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, और चार्जिंग पॉइंट भी आप यहीं से ओपन कर सकते हो, ये तो आप सभी को पता ही होगा। और ये जो सीट है गाइस वो आगे पीछे एडजस्ट हो जाएगी। तो चलते हैं पीछे के रो की तरफ, पीछे के रो में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। अभी हम बैठते पीछे के रो में, तो सबसे पहले मैं अगर बताऊँ इस गाड़ी के हेडरूम के बारे में, तो मेरी जो हाइट है वो 5.6 है, तो हेडरूम आपको इस गाड़ी में बढ़िया देखने को मिलता है। 6 फीट का भी बंदा अगर बैठता तो वो कम्फर्टेबली इस गाड़ी के अंदर बैठ सकता है। अगर लेग रूम की बात करूँ तो लेग रूम अगर पीछे की सीट यहाँ तक भी आती है तो मैं कम्फर्टेबली इस गाड़ी पर बैठ सकता हूँ। पीछे की सीट के कम्फर्ट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो पीछे की सीट भी अच्छी खासी कम्फर्टेबल इस गाड़ी में दी गई है, क्योंकि मैं अभी बैठा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये कम्फर्ट कितनी है। और अगर आप थोड़ा सा मतलब अच्छे फैब्रिक वाला कवर चढ़ाओगे
अच्छे फैब्रिक, मतलब कि अगर ओरिजिनल आपको यही सीट रखना है तो आप आराम से इस गाड़ी में लॉन्ग रन भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चीप क्वालिटी के कवर्स चढ़ाओगे तो आपको थोड़े से अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अच्छी क्वालिटी के कवर्स चढ़ाना। डोर्स की बात करूँ, डोर साइड में भी आपको यहाँ पे ट्विटर देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको जो है बॉटल होल्डर भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने आगे में ही बताया था कि इस गाड़ी में आपको जो है मैनुअली एडजस्टेबल विंडोज़ देखने को मिलती है, तो इस कारण यहाँ पे आपको जो है मैनुअली एडजस्टेबल विंडो भी देखने को मिलती है। और अभी चलते हैं हम इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। बूट में आपको कितना स्पेस देखने को मिलता है, तो आपको जो है हाइड्रोलिक स्ट्रट्स भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं, तो ज़्यादा कोई पावर लगाने की जरूरत नहीं, बस हल्का सा उसको ऊपर उठा लो, हुड को आराम से ऊपर चले जाएगा। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो 316 लीटर की आपको इस गाड़ी में बूट स्पेस देखने को मिलती है, तो अच्छी खासी बूट स्पेस है। फैमिली कार है, हैचबैक है, तो आप अपने जो फैमिली के साथ ही घूमोगे तो 4-5 बैग इसमें आराम से आ जाएगी, 4-5 बैग के ऊपर भी आप इसमें बैठ सकते हो। और अगर आप पूछोगे कि इस गाड़ी में आपको एक्सेसरीज क्या क्या देखने को मिलते हो, तो एक्सेसरीज में आपको टाटा की जो एक्सेसरीज है वो तो देखने को मिलती है, जो कि हर गाड़ी में देखने को मिलती है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे आपको चार्जर भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ईवी है तो ऑब्वियस इसको आप चार्ज करोगे, घर पर चार्ज करोगे, तो इसके कारण आपको यहाँ पे चार्जर भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर गाइस आपको इस गाड़ी का प्राइस जानना है, इस गाड़ी का रेंज जानना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछे इस गाड़ी का प्राइस और इस गाड़ी का रेंज, मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊँगा। और गाइस अगर आप मेरे गोंदे की ओर से, फिर गोंदे के आसपास की ओर से कोई भी टाटा का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, ईवी हो या फिर नॉर्मल पेट्रोल वाले वेरिएंट हो, वो देखना चाहते हो, तो आप आ सकते हो आदित्य टाटा मोटर्स में, जो कि आपको पड़ता है गोरेगांव रोड पे पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास में। इनके पास आ सकते हो, आप टेस्ट राइड ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इनके पास टेस्ट राइड भी अवेलेबल है, आप टेस्ट राइड ले सकते हो, जो भी गाड़ी आपको पसंद आती है अपने घर पे बुक करके ले जा सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतने आप सभी के साथ शेयर करना था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, सान हो गए।